जैसे आप गाड़ी देखने के लिए जाते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? गाड़ी दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी दिखाई देता है। अब गाड़ी जैसे आप देखने के लिए जाते हैं, आपको क्या क्या चेक करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, बॉडी के अंदर, ताकि आपको एक अच्छा डील मिल सके? आज इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको पेंट चेक करना है, कैसे आपको जो है वो चेक करना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है दोस्तों। ये अगर आप चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन डील सेकेंड हैंड कार मार्केट के अंदर मिलने वाला है। जैसे आप गाड़ी देखने के लिए जाते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले गाड़ी दिखाई देता है। जी हाँ, तो गाड़ी को आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि गाड़ी का जो पेंट है वो अच्छा कंडीशन के अंदर है, ओरिजिनल है या फिर नहीं है। कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पेंट चेक करने से पहले आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड करना है, साइड से, आगे से, पीछे से, हर जगह से जो है गाड़ी को देखना है कि गाड़ी किस कंडीशन के अंदर है, और पूरा का पूरा गाड़ी का जो पेंट है उसको आपको मैच करना है एक जगह के पेंट से, क्योंकि वो जगह का जो पेंट है वो ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं दोस्तों। आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेसी का जो है वो पता चल जाएगा एक छोटे से ट्रिक से। अगर ओरिजिनल और डुप्लीकेट पेंट चेक करना है, ये गाड़ी ओरिजिनल पेंटेड है, कैसे मैंने पता किया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉक कीजिए, यहाँ पर नॉकिंग साउंड जो है वो एक अच्छा तरीके से जो है वो निकल करके आएगा, क्योंकि दोस्तों जो कंपनी के जो पेंट होते हैं वो दोस्तों वेल तरीके से होते हैं, और जो बाजार में पेंट किया जाता है वो गलत तरीके से होते हैं। और जैसे इसके ऊपर अगर आप हाथ फेराएंगे तो दोस्तों आपको एक अच्छा फील आएगा दोस्तों, एक ग्लॉसी सा फील आएगा। अगर पेंटेड गाड़ी होगा तो वहां पर आपको वो फील नहीं आएगा दोस्तों, आपको थोड़ा जो है वो रफनेस इसके अंदर दिखेगा। साथ साथ में आपको रिफ्लेक्शन भी जो है वो चेक करना है कि कैसे जो है वो गाड़ी का पेंट कैसा है कैसा नहीं है। और एक जगह पर जो है वो आप चेक कर सकते हैं, उसके बारे में बताते हैं। चलिए आपको, ये होता है दोस्तों वी पिलर, इसका जो पेंट है वो ज़्यादातर लोग नहीं करवाते हैं, करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्तों गेट जो है वो बंद रहता है, और जैसे ही अगर आप गेट बंद कर दें तो दोस्तों इसका जो कलर है वो फेड भी नहीं होता है, धूप में नहीं मिलता है, पानी में नहीं मिलता है, तो इसका जो कलर है वो ओरिजिनल जैसा ही रहता है। तो इसका कलर और पूरा गाड़ी का कलर आपको मैच करना है, यही एक सिंपल और छोटा सा ट्रिक है ओरिजिनल पेंट या फिर डुप्लीकेट पेंट है चेक करने के लिए। अब आपको चेक करना है फ्रंट से, इसका जो बोनेट है उसको ओपन कर दीजिए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नहीं है। कैमरा को पास लेकर आइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो डिज़ाइन है ना वो दोस्तों कंपनी फिटेड आता है। अगर एक्सीडेंट मेजर होता है तो दोस्तों ये बैंड होगा ही होगा दोस्तों, और अगर एक बार ये बैंड हो जाए तो ये दोबारा से जो है वो सही नहीं हो पाता है दोस्तों, किसी भी हालत में ये सही नहीं होगा। अगर एक्सीडेंट हुआ होता है तो दोस्तों सबसे पहले डैमेज इसी पर होता है दोस्तों, ये फ्रेम है गाड़ी का, यहाँ पर अगर आपको वेल्डिंग दिख जाए तो समझ जाना कि ये जो गाड़ी है ये फ्रंट से मेजर एक्सीडेंट इसका गाड़ी का हुआ है। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि फ्रंट से ही सारा एक्सीडेंट हो, साइड से भी एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए पता करते हैं साइड से एक्सीडेंटल है या फिर नहीं है गाड़ी, साइड से गाड़ी एक्सीडेंटल है या फिर नहीं है, इसको पता लगाने के लिए आपको ये वी पिलर को देखना है। ये वी पिलर अगर एक बार बैंड हो जाए दोस्तों तो इसको सही करना बिल्कुल भी नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये गाड़ी का फ्रेम है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो है वो वेल्डिंग्स अगर दिख गए तो आप समझ जाना कि ये जो गाड़ी है ये साइड से मेजर एक्सीडेंट इस गाड़ी का हुआ है। अब पीछे से भी चेक करते हैं, देखते हैं पीछे से कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है गाड़ी का, पीछे से मेजर एक्सीडेंट हुआ है या फिर नहीं है उसको पता लगाने के लिए बूट को ओपन कर लीजिए, और इसका जो बूट ट्रे है उसको भी ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जो चीज़ है वो फ्रेम है गाड़ी का, ये अगर डैमेज हुआ हुआ रहेगा, यहाँ पर अगर वेल्डिंग हुआ हुआ रहेगा तो दोस्तों आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये गाड़ी जो है वो पीछे से मेजर एक्सीडेंट हुआ है इस गाड़ी का दोस्तों। अगर आपको ये पता लग जाए कि गाड़ी कहीं पर भी जो है वो मेजर एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं हुआ है, साइड से इधर उधर से तो गाड़ी टच होता ही है दोस्तों, उसका बात अलग है, लेकिन मेजर एक्सीडेंट गाड़ी का नहीं होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो बढ़ते हैं दूसरे चीज़ों की तरफ कि और गाड़ी में आपको क्या क्या चेक करना है। गाड़ी में अंदर चले आइए, गेट लॉक कर दिए। गाड़ी में अंदर आने के बाद आपको ये देखना है कि गाड़ी का जो इंटीरियर है यानी कि जो डैशबोर्ड है उसका हालत कैसा है, क्लीन है या फिर कहीं पर जो है वो कुछ काम हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। डैशबोर्ड को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि अगर इस गाड़ी में कोई काम हुआ है डैशबोर्ड के अंदर या फिर नहीं दोस्तों। उसके पहले एसी वर्जन अगर है, एसी चेक कीजिए, हर एक जो है वो पार्ट चेक कीजिए, हेडलाइट ठीक से जल रहे हैं या फिर नहीं है, या फिर टेल लाइट ठीक से जल रहे हैं या फिर नहीं है, इंडिकेटर ठीक से जल रहा है या फिर नहीं है, ये जो वाइपर है वो ठीक से चल रहा है या फिर नहीं है। और एक चीज़ आपको गाड़ी के अंदर चेक करना है, अंदर लेकर आइए कैमरा को, ये जो रूफ है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये अगर निकल जाता है या फिर नीचे की तरफ झूल जाता है तो दोस्तों क्या करते हैं, ये प्रॉपर तरीके से जो है वो चिपका नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये कहीं से झूल झाल ना गया हो, अगर ये नीचे आ गया हो तो दोस्तों गाड़ी का लुक जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है दोस्तों। अगर आपके गाड़ी में पावर विंडो है तो चेक करना है कि पावर विंडो ठीक ठाक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ये नॉर्मल सा विंडो है, ये तो ठीक ठाक से काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको चेक ये भी करना है कि विंडो जो है वो ठीक ठाक से ऊपर नीचे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर पावर विंडो वर्सन है तो आपको क्या चेक करना है, मैं आपको बताता हूँ। आपको चेक करना है कि पावर विंडो सीधा ऊपर जाना चाहिए दोस्तों, ऐसे जो है वो शेकी नहीं होना चाहिए। अगर शेकी हो रहा है तो दोस्तों पावर विंडो के अंदर जो है वो काम होकर रखा है, वहाँ पर आपको ओनर से पूछना चाहिए, और अगर आपको चल जाएगा वो प्रॉब्लम तो आप गाड़ी का प्राइस जो है वो तो कम करवा ही सकते हैं।
सारा कुछ चेक करने के बाद आपको ड्राइविंग के लिए जाना है। ड्राइविंग में जाने के लिए आपको चेक करना है कि गाड़ी कैसा चल रहा है कैसा नहीं है। अगर सारा कुछ चीज़ में आपको ग्रीन सिग्नल मिलता है तो दोस्तों आप उस गाड़ी को जो है वो इंजन को इंस्पेक्ट कीजिए अच्छी तरीके से। इंजन को कैसे इंस्पेक्ट करना है उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में कहना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, आपको चेक करना है गाड़ी का पेपर वर्क। गाड़ी का नंबर देके आपको जो है वो पुलिस स्टेशन में चेक करवाना है कि इस गाड़ी का कोई पेंडिंग चालान तो नहीं है, इस गाड़ी के ऊपर कोई एक्सीडेंटल केस तो पेंडिंग नहीं है। आपको वहीं पुलिस स्टेशन से सारा कुछ डिटेल्स मिल जाएगा, कहीं भी जो है वो आप चेक करवा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि गाड़ी को कैसे इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है कि नहीं करना है। अगर सारा में जो है ग्रीन सिग्नल आ जाए तो आप गाड़ी को ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले इंजन को इंस्पेक्ट जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंजन को कैसे इंस्पेक्ट करना है, इसीलिए सब्सक्राइब बेल बटन को प्रेस कर लीजिए।